हजारीबाग जिला प्रशासन के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे कुछ लोगों की तबीयत खराब होने लगी। खबर मिलते ही सदर विधायक मनीष जायसवाल भी धरना स्थल पहुंचे। मेडिकल टीम ने हॉस्पिटल चलने का सुझाव दिया, लेकिन आमरण अनशन पर वो बैठे लोग तैयार नहीं हुए। सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि जिला प्रशासन सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर हजारीबाग के रामनवमी के स्वरूप को खत्म करना चाहती है और यहाँ आमरण अनशन पर बैठे लोग उसी अस्तित्व को बचाने के लिए बैठे। देख रहे हैं कितने बुरी हालत में यहाँ बैठे हुए हैं। अजय सिंह जो अंचलकारी है उनकी हालत अभी बहुत काफ़ी बिगड़ी हुई थी। अभी सम्मानित विधायक जी और लोग आए थे यहाँ पर देखने के लिए, पर लेकिन जो जिला प्रशासन का जो रवैया जो दिख रहा है साफ तौर पर, जिला प्रशासन के नुमाइंदों ने जो तुगलकी फरमान हमारे विश्व रामनवमी प्रसिद्ध विश्व रामनवमी के प्रति जो तुगलकी फरमान जारी किया है, चलिए वो भी एक नज़र से देखा जाए। लेकिन जिस तरीके से अंचलकारी को सूद लेने के लिए ये जिला प्रशासन मौन धारी पड़ी है, ये लोग टुकटुकी लगा के नज़र से बैठ रहे हैं कि किसी तरीके से जो ये रामनवमी जो ये फरमान जो जारी किए हैं ये लागू करने के लिए हट धर्मिकता जो अपनाए हुए हैं, तो जो सनातन धर्म प्रेमी लोग हैं हजारीबाग के जो बराबर विश्व प्रसिद्ध रामनवमी को जो मनाते लोग आए हुए हैं, ये इनके जो सहन शक्ति का जो बर्दाश्त करने की सहन शक्ति है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अब जो है राम भक्त जो है यहाँ के जो सनातन धर्म प्रेमी है ये अंचलकारी के साथ है, हम लोग सब अंचलकारी के समर्थन देने के लिए पहुँच रहे हैं और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि आपने जो तुगलकी फरमान जिसमें आपके सम्मानित मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि हमने इस प्रकार का कोई भी आदेश जारी नहीं किया है जिला प्रशासन को, तो मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं कि राम भक्तों को यहां के अखाड़ाधारियों को आप स्पष्ट करें कि इस बार की रामनवमी कैसी मनानी है, नहीं मनानी है, और इनकी जो जेन्युइन मांग है इन जेन्युइन मांग को पूरा करें, अन्यथा जो है सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करने के लिए हम तैयार हैं। जिला प्रशासन का जो वक्तव्य आ रहा है, जो अलग अलग लोग अलग अलग वक्तव्य दे रहे हैं, पुलिस का कोई वक्तव्य आ रहा है, प्रशासनिक लोगों का कोई वक्तव्य आ रहा है, तो उनको क्लियर करना चाहिए। पूरा माहौल खराब है, अभी तो एक दो लोग बैठे हुए हैं, पता चलेगा कि अगर ये कंटिन्यू करता है तो बहुत सारे लोग तैयार हैं इस लड़ाई को ज्वाइन करने के लिए। अभी इनको चाहिए कि स्थिति स्पष्ट, सुप्रीम कोर्ट का हवाला है, हम लोग भी मानते हैं उस चीज़ को। सुप्रीम कोर्ट का डीजे का प्रतिबंधित करने का कहीं पर आदेश नहीं है। ध्वनि प्रदूषण कम करने का 10 बजे रात के बाद में एक पर्टिकुलर डेसिबल के नीचे बजाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो आवाज़ जो है डीजे भी करेगा, ताशा भी करेगा, बैंड भी करेगा, माइक भी करेगा। तो अगर आप चाहते हैं 10 बजे के बाद बंद हो तो सभी चीज़ पर प्रतिबंध आपको लगाना चाहिए, और अगर आप डीजे केवल बंद कर रहे हैं तो रामनवमी के वैभव को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, इसके पहचान को खत्म करने का प्रयास कहीं ना कहीं कर रहे हैं। इसका विरोध यहाँ पर लोग कर रहे हैं, जो जहाँ पर सक्षम है वहीं पर इसका विरोध हो रहा है। अभी हम लोग जिला प्रशासन से मिलने ही वाले हैं, आज किसी समय भेंट होने का संभावना है। भेंट होने पर ये मैटर क्लियर होगा कि उनका एक्चुअल में उनका व्यू पॉइंट क्या है, वो क्या करें।